अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए एक फेस पैक लेके आई हूँ जो कि है कॉफ़ी फेस पैक। हम कॉफ़ी के साथ बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट यूज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा काम करने वाला है। क्योंकि जब मैंने इसको यूज़ किया था तो फर्स्ट टाइम ही मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट और शाइन करने लगी थी, और फुल डे जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी रही थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो रेमेडी है ये मैमुना मुस्लिमा की है, आपने देखा होगा। ये असल में मैं उनका रिव्यू दे रही हूँ कि ये बहुत अच्छी है। ये मैंने उनकी वीडियो देखी थी, उसमें मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा चले मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने ट्राई किया, तो तकरीबन 3 एंड हाफ मंथ हो गया मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, यानी कि वीक में मैं 2 दफ़ा इसको मस्त यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर। जी तो फ्रेंड्स, अब हम तैयार करने वाले हैं फेस पैक। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 चम्मच कॉफ़ी। जी तो फ्रेंड्स, हमने ली है 1 चम्मच कॉफ़ी। इसके बाद हम लेंगे 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल। तो हमने 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल इसमें डाली, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, आपने ना एक ज़रूरी बात याद रखनी है कि आपने इसको छोड़ना नहीं है बना के, आपने इसको उस टाइम बनाना है कि जब आप इसको फ़ौरन फ़ौरन अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लें। क्योंकि आप अगर इसको छोड़ेंगे ना, तो ये जो आपने इसमें एलोवेरा जेल डाली है ना, ये इसमें अपना पानी छोड़ देगी, तो ये बहुत ज़्यादा वाटरी वाटरी सा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जब इसको यूज़ करना है ना, तो फ़ौरन फ़ौरन फेस पैक बना के और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले हमने लिया था 1 चम्मच कॉफ़ी, सेकंड पे हमने ली थी 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अब मैं इसमें डालूंगी विटामिन ई के कैप्सूल। तैयार हो रही हूँ। अच्छा जी, तो ये अब हमने लिए हैं 3 विटामिन ई के कैप्सूल। आप 2 भी ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट पे हम लोग डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। तो ये मैं इसमें डालती हूँ, मिक्स करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जी तो फ्रेंड, ये हमारा कॉफ़ी फेस पैक तैयार है। इंशाल्लाह ताला आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो इसका 100% रिजल्ट मिला है, और आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो एक बात मैं बता दूं कि आप जो है ये कैप्सूल, विटामिन ई कैप्सूल की जगह शहद भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। और इसको आपने फ़ौरन फ़ौरन अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, इसको बना के छोड़ना नहीं है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये मेरी छोटी सी रेमेडी यानी कि रिव्यू अगर मेरा अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।